प्रणाम करतानी भोजपुरी देखे वाला सब दर्शक लोग के आ चुकल बानी है ममता तिवारी राउत पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी गॉसिप्स के लेके जेमे हम बताई ले इंडस्ट्री आ स्टार लोग से जुड़ल कुछ गॉसिपिंग भरल खबर। पहला खबर जे बतावे आई बनी उ जुड़ल बटे पवन सिंह का फिल्म से। देखी पवन सिंह के फिल्म के देखे के बेताबी और कोई भी रहेला। यही कारण बैठे कि बिहार में अगर कोई भी बैनर सिनेमा घर में लग जाए पवन सिंह के फिल्म के तो लोग देखे पहुंच जाए। यही बात के फायदा कई सिनेमा घर में बिहार में उठावल जा रहा बा। कहे कि पवन सिंह के फिल्म तेरे जैसा यार कहाँ के नाम बदल के पोस्टर लगा देवल गोल बा। फिल्म उहे बटे अगर रवो सब कहीं याराना फिल्म के पोस्टर देखा था नहीं जाए में पवन सिंह हो खस तो वो फिल्म देखे मत जाए लोग। कहे कि वो फिल्म तेरे जैसा यार कहाँ बटे सूत्र से मिलल एक खबर बा कि तेरे जैसा यार कहाँ के नाम बदल के दोबारा रिलीज कर जा रहा बा। अगला खबर अक्षरा सिंह से जुड़ल बा। कहे कि अक्षरा सिंह एगो नया फिल्म कर रहा बड़ी नया साल से फिल्म के एगो शूटिंग शुरू भल बटे लेकिन वो फिल्म के नाम अभी तक केहू का सामने नहीं खे आए। अक्षरा सिंह ए फिल्म खातिर बहुत उत्सुक भी बड़ी तस्वीर भी शेयर करत रहे लेकिन इस शायद कोनो बड़ा प्रोजेक्ट बटे यही से एकर जानकारी अब ही तक केहू का लगे नहीं खे। रितेश पांडे के गाना गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे सफल हो गयल गावल। काहे के रितेश पांडे के गाना पर देश के जवान लोग न्यू ईयर मनावत नजर आयल बा। लोग बहुत चेहरा पे खुशी आ एगो वीडियो शेयर कैले बड़े रितेश पांडे जकरा के देख के दिल गदगद सब कोई के हो जाए। आ अगला खबर यश कुमार से जुड़ल बा। यश कुमार एगो फिल्म लेकर आवे वाला बने जेकर नाम बटे टू स्टंट। स्टंट करत खानी अपन एगो तस्वीर शेयर कैले बने। अगला खबर ग्लोरी मोहंता से जुड़ल बा। आइटम डांसर है इंडस्ट्री के लेकिन आजकल आइटम डांस बंद हो गई बा कई गो फिल्म में। कई फिल्म में हीरोइना लोग प्रमोशन और शो कर देता लोग एक कारण बहुत तो गुस्सा में दिखाई दिले बड़ी ग्लोरी मोहंता। एगो इंटरव्यू सामने आई बा का कुछ कहले बड़ी हो बताई अभी तक जितना बताइए बनी ओकरा के विस्तार से जाने खातिर डालिए वो नजर। साल के साथ साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में आने वाली फिल्मों की चर्चा भी जोरों पर है और साथ ही इन दिनों जहां भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अपनी कई फिल्मों को लेकर चर्चे में रहते हैं तो हाल ही में एक और स्टार है यश कुमार मिश्रा जो कि काफी कम टाइम में ही भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाने में कामयाब रहे। बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है टू एक्शन पैक्ड मूवी दिस ईयर लव यू ऑल जिससे कि हर कोई ये अंदाजा लगा रहा है कि इस साल पवन खेसारी को कहीं ना कहीं यश कुमार एक्शन के मामले में टक्कर देते हुए नजर आने वाले हैं। अब ये देखना भी काफी मजेदार होगा कि क्या ये अंदाजा सही निकलता है या फिर पवन खेसारी हमेशा की तरह सबसे आगे निकलते हैं। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी कुछ अलग और नया देखने को मिल रहा है। वहीं हाल ही में नए साल की शुरुआत हुई है तो हर कोई अपने अपने तरीके से इस साल को जीना चाहता है और कुछ नया करना चाहता है और हर किसी की तरफ से कोई ना कोई खास खबर सामने आ ही रही है। वहीं हाल ही में भोजपुरी की खूबसूरत अदाकाराओं में शुमार एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने हाल ही में अपने इंस्टा स्टोरी पर एक फोटो शेयर की है जिसमें उनके साथ कुछ और भी लोग नजर आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने टैग लाइन पर लिखा है नए साल की शुरुआत नए काम के साथ। और उनके इस तरह के टैग लाइन से हर कोई ये अंदाजा लगा रहा है कि अक्षरा जल्द ही कोई नई फिल्म शूट करने वाली है और या फिर कोई ना कोई नया काम शुरू करने वाली है। बता दें आपको कि अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्मों में ही नहीं बल्कि भोजपुरी के कई सारे एल्बम्स को लेकर भी जानी जाती हैं और अपनी गायकी को लेकर वो हमेशा ही चर्चे में बनी रहती हैं। इन दिनों भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अपनी कई बातों को लेकर चर्चे में रहते हैं तो हाल ही में उनसे जुड़ी एक खास खबर सामने आ रही है। बता दें कि हाल ही में उनकी एक नई फिल्म का नाम सामने आया है जिसका नाम याराना बताया जा रहा है लेकिन खबरों से मिली जानकारी के अनुसार पवन सिंह की ये फिल्म याराना
उनकी पहली फिल्म तेरे जैसा यार कहाँ है और इसका नाम बदलकर अब याराना बताया जा रहा है, जिसका प्रमोशन बिहार झारखंड में जोरों शोरों से चल रहा है। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो खुद पवन सिंह और फिल्म मेकर से जाने, लेकिन इन दिनों पवन सिंह अपने कई सारे फिल्मों को लेकर चर्चे में है और 2019 में उनकी तमाम तरह की फिल्में आपको देखने को मिलने वाली है। इन दिनों भोजपुरी में यूं तो कई तरह के गाने और एल्बम आए दिन चर्चे में रहते हैं, लेकिन हाल ही में रितेश पांडे का एक गाना काफी चर्चे में आ गया है। दरअसल हाल ही में रितेश पांडे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नए साल के मौके पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें कई जवान उनके गाने पर झूमते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बता दें आपको कि उनका ये गाना है दोहर चुनरिया पर, और बता दें आपको कि इस गाने पर जो जवान नाचते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने कैप्शन में लिखा है, आज हमनी के ये गाना बनावल अगावल सब सफल हो गए, जय हिंद जय भोजपुरी। बता दें कि रितेश पांडे हमेशा से ही अपनी गायकी को लेकर चर्चे में रहते हैं और साथ ही इन दिनों उनके कई एल्बम सोशल मीडिया पर चर्चे का विषय बने रहते हैं। लेकिन रितेश पांडे के इस पोस्ट से तो साफ है कि रितेश पांडे को कहीं ना कहीं अपने इस गाने पर इस वीडियो की वजह से काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा होगा। तो आज के खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात तो इसने गॉसिपिंग भरल खबर का साथ, लेकिन तब तक खातिर हमरा के दी ही इजाजत, प्रणाम।